हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स। ये अपनी पॉलिटी प्रीलिम्स स्टिकी नोट सीरीज है। इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा उसको आप स्टिकी नोट्स पे लिख कर, मतलब किसी दीवार पे ऐसे चिपका सकते हैं, सो दैट कि आप बार बार उसको रिविजिट करते रहें, रिवाइज करते रहें, है ना, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है, इसमें हम जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो 99th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में हुआ था, और ये NJAC से रिलेटेड है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने से रिलेटेड था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब नलीफाई कर दिया, मतलब अब ये नहीं है, है ना। तो 99th 2014 में जो आया था NJAC से रिलेटेड था, जिसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अब नहीं है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया था, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था LBA, जो 2015 में हुआ था, वो है 100th अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में आया है, और GST से रिलेटेड है। तो GST किस में है? 101 में। 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2018 में आया है, और ये किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू NCBC। NCBC है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है, तो NCBC से रिलेटेड कौन सा है? 102, याद रखने हैं सब। 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है, ये 2019 में आया है, और ये किससे रिलेटेड है? 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो 10% का रिजर्वेशन है, ये किस में है? 103 में है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया अपना, ये 2020 में आया है, और इसमें क्या है? इसमें जो SC ST की सीट्स रिजर्वेशन है लोकसभा में, और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनकी, हम हर 10 साल के बाद उनको एक्सटेंड किया जाता है, तो इसमें भी एक्सटेंड कर दिया है। जो SC ST की सीट्स की रिजर्वेशन होती है लोकसभा, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये 70 से अब 80 ईयर्स के लिए कर दिया है। तो ये SC ST वाला किस में है? सीट्स वाला किस में है? 104 में है। 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है 2021 में आया है, 2021 में 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये है जो स्टेट्स और यूटीज हैं उनकी, उनको मतलब पावर है कि वो SEBC जो हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको नोटिफाई करना, ये पावर स्टेट्स और यूटीज के पास है, है ना। तो इसको मतलब फिर से रिस्टोर कर दिया है, ये कोई हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि उनकी से पावर ले ली गई थी, बट उनको दोबारा दे दी गई है, SEBC से रिलेटेड है। तो हमें याद रखना है जो SEBC वाला जो आया है वो 2021 में आया है, और वो क्या है? 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये जितने भी एक्ट्स हैं, ये इनको उसमें मैच एंड मैट्रिक्स में UPSC किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।